नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एच एस सी अड्डा में। द एच एस सी अड्डा की नई वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं, जो हमने सीरीज शुरू कर रखी थी आपकी मॉक टेस्ट की, उसको आगे बढ़ाते हुए आपका बार बार मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले 11 मॉक टेस्ट हैं, वो हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं वेबसाइट पर, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर। अगर नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके आप उनको सभी को देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने जो पहले बना रखे थे 20 मॉक टेस्ट हैं हरियाणा से रिलेटेड ही, जो आपके हरियाणा ग्रुप डी पुलिस वगैरह के लिए थे, वो भी आप देख सकते हैं। वो आपके क्लर्क जो अभी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, क्लर्क की है, पटवारी की है, ग्राम सचिव की, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप टोटल कुल मिला के आपके हैं जो हमारे इस पे चैनल पे आपको 20 प्लस में 4 और प्लस में आपके 12 वाई, ये 36 मॉक टेस्ट हैं हरियाणा से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं उनको जाके, अच्छा कंटेंट हमने उसमें लिया है, ठीक है। नया मॉक टेस्ट शुरू करते हैं आपका। जो पहला क्वेश्चन आपका दोनों में है, बच्चे कह रहे थे कि भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में लो, तो हमने दोनों में है, साथ साथ है जो इंग्लिश आपकी जो साइंस है, इंग्लिश में समझना आसान होता है। तो आप देख पाएंगे इंग्लिश के दोनों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके क्वेश्चन इसमें है। तो पहला क्वेश्चन आपका, जो प्राग नलिका होती है, पोलन ट्यूब होती है, उसका जो ओवलिश ओवल की तरफ जाना है, जो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, प्राग नलिका का अंट की ओर वृद्धि किसका उदाहरण है, पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये है आपका रसायनोवर्तन, जो आपका क्यूमोट्रोपिज्म होता है उसका उदाहरण है। जो फोटोट्रीज आपका फोटोट्रोपिज्म होता है, ये होता है आपका एक्शन होता है किसका, प्लांट का, टर्निंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से जो आपका टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट होता है उसको फोटोट्रोपिज्म आपका कहते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है आपका, इसका जो टेंड्रिल्स वगैरह होते हैं, जैसे स्वीट पी आपकी होती है, उसके टेंड्रिल्स होते हैं, उसका डायरेक्शनल रेस्पॉन्स होता है, जैसे हम उसको टच करते हैं डायरेक्शनल रेस्पॉन्स होता है उसका ऑर्गन का, टू टच विद जो भी उससे जो भी आपका, आपने देखा होगा टेंड्रिल्स जैसे बेल्स वगैरह होते हैं, बेल होती है आपकी गिया की बेल वगैरह, देखी होगी सोलर सरफेस होता है उसके चारों तरफ ऐसे उसके सर्कुलर मोशन में उसके है, वो आपकी रैप कर जाती है उसमें, तो आपका थिगोट्रोपिज्म आपका होता है। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था, तो प्रभाकर वर्धन है जो मेन राजा, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। नेक्स्ट आपका, कार्बन में पाई जाने वाली विशेषता क्या है, तो कार्बन में कौन सी फीचर्स है सीन की जाती है, तो उसमें कैटेनेशन होता है। कैटेनेशन क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है एटम्स की, बॉन्डिंग होती है जो एटम की, जो कंबाइन करते हैं एटम सेम एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का एक चेन फॉर्म करता है, कार्बन 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 ऐसी चेन फॉर्म करते हैं, तो उसको कैटेनेशन प्रोसेस जो आपकी विशेषता है, ये आपकी कार्बन में पाई जाती है। कौन सी एक समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी मतलब सब में जो टाइम आपका जो डिस्टेंस है आपका डिफरेंस होगा सेम होगा, तो आप देख पाएंगे अगर मान लीजिए ए एक लिया आपने, तो दो यहाँ पे होगा, तीन ही होगा, तो इनमें डिफरेंस आपका एक है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर आपका स्थित है, तो कहाँ पर आपका स्थित है, ये आपका स्थित है मैसूर में, मैसूर के अंदर आपका ये आपका है। CH3CH2OH इसको हीट किया गया है एक्स की प्रेजेंस में, तो आपका CH3COOH बना है, तो ये आपका देखिए क्या है, ये आपका है इथेनोइक, ये आपका इथेनॉल है, ये C2H5OH है इथेनॉल। इसको आप जब अक्षारीय के MnO4 एल्कलाइन के MnO4 में जब आपका हीट करेंगे, तो आपका ये चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, ये आपका इथेनोइक एसिड है और H2O इसमें बाहर निकल जाएगा, इथेनोइक एसिड और H2O। किसका अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा है, तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका आइस का है 1.31, ठीक है, जो केरोसिन है आपका कैरिशोन का 1.45, और जो आपका रूबी का है 1.676 और 1.77 है आपका, और जो रॉक साल्ट है इसका 1.54 रॉक साल्ट का आपका, रूबी का है जो सबसे ज़्यादा 1.77। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक जो आपकी फूड चेन है, तो कौन सी इनमें से, जैसे सबसे पहले घास आती है, घास को हिरण खाता है, हिरण को आपका बाघ खाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाने से क्या बनता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है आपका CaSO4 ½ H2O, ये आपका POP का फॉर्मूला होता है, और जब इसमें आपके जो वाटर ऐड कर देंगे प्लस में 3/2 H2O ऐड कर देंगे, तो आपका जिप्सम है, जो आपका जिप्सम ऑप्शन नंबर 4 है वो बन जाएगा, उसका फार्मूला होता है CaSO4
यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे दो हो जाएगा, टू एच टू ओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका श्रृंखला दी है, एक सीरीज दी है, सी एफ आई एल दी है, इसमें लुप्त अक्षर है जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए सी की जो आपका नंबरिंग में आता है तीन पे आता है, एफ आपका छः पे आता है, आई नौ पे आता है, एल आपका बारह पे आता है, तो पंद्रह पे जो आता है वही होगा, पंद्रह पे आपका ओ आता है, तो वो आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की जो आपकी हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी है, तो आपकी 37 है, एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से 37। बार 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के अवतल दर्पण के समक्ष 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा तो उसमें कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो आपका होगा, देखिए जो आपकी जो इसमें हम आपको समझा देते हैं, इसमें ये देखिए जो आपकी फोकल लेंथ है ये आपकी दी गई है, फोकल लेंथ 30 दी है, एफ कितनी आपकी 30 है, और जो आपकी दर्पण अवतल दर्पण के समक्ष 40 सेंटीमीटर पर दूरी पर आपका ये रखा गया है, ये क्या है आपकी यू, यू है, यू क्या होती है आपकी जो आपकी ऑब्जेक्ट की दूरी है ये आपकी दी गई है, ठीक है, यू आपकी 40 सेंटीमीटर दी गई है। हमें जो है वी निकालनी है, वी इमेज आपकी, इमेज ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, वो इमेज आपको बतानी है, तो इसका आपने फॉर्मूला एक देखा होगा, 1/v प्लस में 1/u, हम इसको काट देते हैं, 1/v प्लस में 1/u इजिकल टू 1/f, इसके बराबर हो जाएगा। जब इनको हम आपका यहाँ पे रखेंगे, देखिए जो आपका वस्तु की जो आपकी ये 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, जो कनकेव आपका जो कनकेव मिरर है इससे जो आपका जो ये बनती है आपकी ये वाली, ये फोकल जो आपका सेंटर कर्वेचर होता है, इससे जो इधर जाएगा आपका फोकल लेंथ से जो दूर जाएगा, जो आपका सेंटर इससे सेंटर है इससे आपका दूर जाएगा, तो उसमें हम इधर माइनस लेते हैं तो हमेशा, ठीक है, तो ये आपका जो है ये हो जाएगी आपकी 1/v प्लस में 1/u इजिकल टू 1/f था ये फॉर्मूला हमने, तो 1/v कितनी है, 1/-30, और जो आपकी जो u है, u भी आपकी है 1/, ये प्लस में हो जाएगा 1/, इसको माइनस ही हो जाएगा, अभी 1/-40 और इजिकल टू 1/f, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा जो आपका 120 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 120, ठीक 120 आपका एलसीएम वो आ गया, 120 एलसीएम आ गया, ऊपर चार आपका जब काटेंगे 30 से चार, ये कितनी बार जाएगा, चार बार माइनस में, और जो आपका 30 ये 40 से कितनी बार जाएगा, जो 40 था ये तीन बार, तो 1/-120 ये माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में था आपका, तो 120, तो जो आपकी दूरी आ गई, ये नीचे है जो दूरी फोकल ये जो आपकी है ये निकाल दी, वी ही आ गई ना अपनी, हमारे पास फोकल लेंथ थी और जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो दी थी, इमेज डिस्टेंस हमने निकालनी थी, वो आपकी 120 है, जो 120 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर आपकी आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, जो आपकी इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो इनमें से आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी जो भारत का सोलिटरी जनरल है वो नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका भारतीय जो पंचायती राज बिल है कब पास हुआ था, तो 1992 के अंदर पास हुआ था। ओटावा कनाडा से रिलेटेड है, कैनबरा किससे रिलेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया से, ओटावा कनाडा की राजधानी है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी। टमाटर में क्या पाया जाता है, देखिए जब राइपन हो जाता है टमाटर, जो पकने की तरफ जाता है, तो उसमें विटामिन सी की कमी हो जाती है, और जो ऑक्जैलिक एसिड है वो बढ़ जाता है, तो इसमें ऑक्जैलिक एसिड आपका टमाटर में उपस्थित होता है। इनमें से जो मोस्ट तन्य धातु कौन सी, डक्टाइल कौन सी, गोगोल्ड है जो तन्य, जो आपकी इसमें तन्य कौन सी होती हैं जिनकी तार ज़्यादा, जो आपकी वायर फॉर्मिंग थिन वायर है जो ज़्यादा बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जल संग्रहण एक विधि है जो जो वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें जो भूमि का जल स्तर है उसको बढ़ाती है आपकी। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष आपका होता है। F2 जो आपका फिनोटिक रेशो होता है डाइबर्ड क्रॉस में, जो आपके मेंडल ने दी थी ये, उसमें F2 जनरेशन में जो अनुपात होगा वो कौन सा होगा आपका, 9:3:3:1 आपका ये होगा F2 जनरेशन में, जब क्रॉस हाइब्रिड F2 क्रॉस होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस होगी जिसमें। अक्षित का 46 है कक्षा में 13वां स्थान है, 46 की कक्षा और उसका 13वां स्थान है, अंत से उसका स्थान क्या होगा, देखिए टोटल आपके हैं, हमने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर टोटल निकालने हैं आपको किसी भी उसमें, तो उसमें क्या करेंगे आप, जो पहले से जितनी संख्या मतलब ऊपर से कितनी संख्या वो, और जो पीछे से जो नीचे से दी गई संख्या वो
माइनस में वन कर देंगे, ये आपकी टोटल दी है गई है 40 इज इक्वल टू एक्स कितनी आपकी 13, हमें निकालनी है वाई और माइनस में वन हो जाएगा। ठीक है, ये वाई आपका है, ये आपका 12 हो गया इधर, और ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 40 से माइनस हो जाएगा 12 तो 34 हो गया। तो जो है इसकी वो स्थान है उसका नीचे से 34 वहाँ आपका स्थान दिया गया। वह शब्द चुनो जो अन्य से कम मिलता है, तो देखिए ये ओशियंस आपके, ये लाल सागर, ये आपका सी है, ठीक है, ये अलग है। हरियाणा का राज्य पशु है, तो आपके जो ब्लैक बक है, काली मृग है, वो आपका हरियाणा का राज्य पशु है। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की नगर सिंचाई, जो नहर सिंचाई है वो कौन सी है, जो कोल है, कोल आपकी इरिगेशन सिस्टम है आपका हिमाचल प्रदेश में, और जो एरिस है, एरिस आपका तमिलनाडु में, और जो सुरंगम है आपका ये केरल और कर्नाटक है, और जो कट्टा है ये आपका कट्टा से उड़ीसा और एमपी का है इरिगेशन सिस्टम। हाल ही में जो आपका यूएस ओपन 2018 हुआ था वो किसने जीता था 2018, देखिए जो आपका ये यूएस ओपन 2018 टेनिस का होगा, ये अभी अगस्त सितंबर में होगा, 26 अगस्त के आसपास, 25 अगस्त के आसपास स्टार्ट होगा ये यूएस ओपन 2019 हुआ नहीं है, 2018 का किन्होंने जीता था, ये जीता था आपका नाओमी ओसाका और नोवाक जोकोविक ने आपका जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जीवाणु के संबंध में सही है, तो जीवाणु के संबंध में क्या सही है, देखिए जीवाणु विषाणु को प्रभावित कर सकता है, नहीं, जो वायरस है वो आपको विषाणु को, जीवाणु को प्रभावित कर सकता है, जैसे बैक्टीरिया फेज है, ठीक है, बैक्टीरिया फेज वायरस है, जो जीवाणु 5 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पर वृद्धि कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, विषाणु से जीवाणु अधिक खतरनाक होते हैं, ये सही बात है। तो ऑप्शन 2 और 3 है आपकी, ये आपके सही हैं इसके अंदर जो जीवाणु के इसमें दिए गए। हमें जीरोक्स निकाल, जीरोज निकालने, शून्य निकालने हैं पॉलिनोमियल के, तो कैसे निकालेंगे हम, इनको तोड़ देंगे, इसको 4s है जो बीच में दिया गया है, इसको इस तरह तोड़ना है हमें कि इसका जो मल्टीपल है वो 4s हो जाए, 4 आ जाए, ये 4, 4 एकम 4, ठीक है, और जो इसका सम है वो -4 आ जाए, तो इसको हम तोड़ देंगे, ये -2 और -2 में आपका है ये टूट जाएगा। ठीक, इसको सोल्व करेंगे हम, कैसे सोल्व करेंगे, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे इसको सोल्व, ये आपका 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, ये तो दिया ही गया, इसको नहीं लिख रहे हम, तो इसको 4s स्क्वायर माइनस में 2s माइनस में 2s प्लस में 1 इजिकल टू 0 ये रख देंगे। ठीक है, इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, इसमें से हम 2s कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा आपका 2s माइनस में 1, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, इन दो में से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये आपका 2s माइनस में 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन के निकल गया, एक तो 2s 1 हो गया यहाँ पे, इसका जो एक फैक्टर निकला, और दूसरा भी 2s माइनस में 1 निकल गया, इसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, जब दो 2s माइनस में 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो 1/2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, और दूसरे की भी 1/2 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिया गया है ये 1/2 और 1/2, एस के जो है 0, जो शून्य है जो आपके 1/2 1/2 हो जाएंगे। संकेत या आवक को जानने और उस पर जाव क्रिया प्रदान करने, जो आपका सिग्नल प्राप्त करते हैं हम, जैसे किसी आपकी सुई चुभ जाती है, सिग्नल मिला और उसका रिस्पॉन्स दिया, आउटपुट निकला, तो क्विकली एक्शन हुआ, तो उस कॉमन कनेक्शन को क्या कहते हैं, ऐसे जुड़ाव सामान्यतः क्या कहलाते हैं, जो प्रतिक्रिया चाप होती है, रिफ्लेक्स आर्क होती है, उसको ये कहा जाता है आपका साइंस में है रिफ्लेक्स आर्क। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की जो रेजिस्टिविटी है लो है, रेजिस्टिविटी मतलब वो करंट को रोक सकती है, तो वो आपकी चांदी है, ये आपकी सबसे कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी आपकी कम है। युग्म दिया गया है, जैसे आपका 8 और 64 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही इनमें से क्या है, देखिए 8 का स्क्वायर है 64 है, तो 11 का स्क्वायर 121 आपका है। इसमें से बताना जो चरवा बंजारा हैं उनके समुदाय मुख्य रहवासी राज्यों के विस्तार है, जो आपका विचार करना है, इनमें से जो धनगर है आपका, धनगर महाराष्ट्र में बिल्कुल है, रेकास है राजस्थान में, दोनों आपके सही हैं इसमें से। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप। छोटे छिद्र के गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है, तो जो वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है, वो होती है उसकी जो फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, ये हमेशा ध्यान रखिए, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके डायरेक्ट। द्रव माध्य से बना रक्त, जो आपका ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड जो मीडियम होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा उसको बोलते हैं।
सोनू निगम का जन्म कहाँ हुआ था? सोनू निगम का जन्म आपको फरीदाबाद से रिलेटेड आपके ये है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। यदि जीव का जीवांश पृथ्वी की गहरी सतहों में बनता है तो हम क्या कह सकते हैं? जो जीवांश बनता है जीव का, तो हम कह सकते हैं कि यह कुछ ही पूर्व जो लुप्त हुआ था, जो ऑर्गेनिज्म है जो आपका थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो आपके है उसमें आपका लुप्त हुआ था। वायु के संपर्क में आने पर जो चांदी में परत जम जाती है, काली परत पड़ जाती है, वो किसकी वजह से जमती है? तो जमती है जो आपका सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड Ag2S। यमुना हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो यमुना आपकी जो है यमुना नगर से प्रवेश आपकी करती है। यदि पी का अर्थ दिया गया है, अब जब इसमें हम देखिए ये आप आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका जो पी की वैल्यू है, पी को एक्स मान लीजिए, मल्टीपल मान लीजिए, ए आर को प्लस मान लीजिए, टी को वो डिवाइड मान लीजिए, एस को माइनस मान लीजिए, तो इसको आप कर सकते हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन है आपका नहीं, इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं है। दूसरा आपका ऑप्शन आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें बताएंगे। दमदमा झील किस जिले में? तो गुड़गांव जिले में आपकी दमदमा झील। सोना ये दिया गया आपका फिगर, एक आपका स्क्वेयर दिया गया है, ये इसका जो है आपका ए बी सी, इसकी भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर भुजा दी गई है वर्ग की। इसमें जो ए पी डी है ये वाला ए पी डी, और बी सी आपका पी है, ये बी पी सी है, ये अर्धगोले हैं आपके, सेमी सर्कल हैं। इसका जो छायांकित भाग ये दिया गया, दो जगह छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हम देखिए जो स्क्वेयर है इसका क्षेत्रफल निकाल के जो आपका ये सर्कल बनेगा, आधा सर्कल या आधा सर्कल कंप्लीट सर्कल होगा, इस सर्कल का जो आपके क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देंगे तो आपका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका स्क्वेयर है आपका, स्क्वेयर का तो क्षेत्रफल 14 × 14 हो गया, लंबा इंटों में ब्रेथ, तो आपका कितना होगा 196 आ गया इसका। लेकिन जब स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वेयर, आर कितनी है, ये आपका जो व्यास है 17, व्यास तो 17 होगा, जो आपकी त्रिज्या होगी 7, तो पाई आर स्क्वेयर फार्मूला होता है 22/7 × 7 × 7, 122 × 154, 196 में से 154 गए तो 42 सेंटीमीटर स्क्वेयर सेंटीमीटर आपका जो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। बाबर ने लोध युग को प्रथम युद्ध में कहाँ रहा था? तो पानीपत में रहा था। जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं और जो उसमें आपका अंत ब्लाइंडनेस होती है, कौन प्रभावित करता है इसको? जो मिथेनॉल होता है वो इसको प्रभावित करता है। जो शोल्डर आपकी होती है वो किसका एलॉय होती है? लेड और जिसका टिन का, एसएन टिन का आपका होती है। एकलिंगी जो आपका यूनिसेक्चुअल होते फ्लावर होते हैं वो कौन सा एग्जांपल है? पपीता होता, पपाया यूनिसेक्चुअल आपका एग्जांपल है। ओडा का विस्तार रूप क्या है? ओडा जो आपकी सेक्टर वगैरह कटते हैं ओडा में, तो उसका फुल फॉर्म थी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन अभी इसको चेंज कर दिया है HSVP, क्योंकि जो पुराने मुख्यमंत्री अपने पहले मुख्यमंत्री थे ओडा, उनके नाम से बिलोंग करता था, लोग सोचते थे कि उन्हीं ने ये आपका चालू किया है तो उन्हीं के नाम पे ये, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है HSVP की अभी है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इसका नाम चेंज कर दिया। जन्म पूर्व लिंग जांच किस कानून के द्वारा जो अवॉइड किया जाता है, प्रोहिबिटेड है? तो कन्या भ्रूण हत्या आपका। सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का Na2ZnO2 आपका इसका सूत्र है, फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला है। भगवदगीता द्वारा कम प्रभावशाली थी भगवदगीता जो पहले थी, लेकिन जो इसका इसकी जो भगवदगीता की कमेंट्री थी किसने की थी? शंकराचार्य ने की, उसके बाद है जो आपका ये इम्पैक्ट में आई थी, प्रभावशाली रही थी आपकी इसके बाद। अजीत 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है दाएं मुड़ कर, देखिए पूर्व में गए आपका 20 किलोमीटर, फिर आपका कहाँ पे मुड़ा 20 किलोमीटर, ये 20 आपका, फिर आपका जो है दाएं मुड़ गया 5 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ के 20 किलोमीटर फिर चल गया। तो इन्होंने पूछा है प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक दूरी से ये 5 थी तो ये भी 5 होगी, तो 5 किलोमीटर आपकी दूरी पर है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की समान गति से चलती है आपकी, यदि रेलगाड़ी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिक होती तो यात्रा के लिए 1 घंटा कम लगता है। रेलगाड़ी गति याद कीजिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप एक्स मान के करेंगे तो आपका टाइम है काफ़ी वेस्ट हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन आप इसको करेंगे। देखिए तो बाई ऑप्शन मान लीजिए आपकी पहले 45 इसकी रफ्तार थी, तो 45 आपकी पहले रफ्तार थी तो ये इसकी कितने घंटे में जाएगा? तो आपका जाएगा है 45 में, ये आपका चला जाएगा इस आपका जो है 7.2 किलोमीटर में, लेकिन जब इसकी 5 किलोमीटर और बढ़ी रफ्तार तो 50 हुई तो तब कितने में जाएगा? ये जाएगा आपका 6.7 के आसपास, मतलब ये 10 नहीं जाएगा, इसके आसपास नहीं जाएगा, मतलब एक किलोमीटर इसमें माइनस नहीं होगा। लेकिन जब हमें इसका मान लीजिए 40 किलोमीटर पहले रफ्तार थी, तो 40 किलोमीटर रफ्तार से गया 360 किलोमीटर, तो आपका 9 घंटे में आपका 9 आवर में आपका चला गया।
और जब इसकी 5 किलोमीटर आपकी बढ़ाई गई, मतलब 45 की गई, 45 करने के बाद जब ये चला तो 45 से आपका, सॉरी ये जो आपका 8 आएगा, जो हमने पहले आपका 7.2 बताया था, 8 आएगा, 45 से आपका जो 8 आ जाएगा, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। तो 8 किलोमीटर है जो आपकी 8 आवर में है जो आप ए, आपका कंप्लीट कर जाएगा। तो आपने देखा पहले 40 किलोमीटर इसकी रफ्तार थी तो 9 घंटे में गया, लेकिन जब 5 किलोमीटर बढ़ गई मतलब 45 हो गई तो 8 घंटे में गया। जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको क्वालिफाई कर दिया, इसने 40 किलोमीटर अगर पहले रफ्तार थी इसकी तो 40 किलोमीटर की रफ्तार से आपका जो 8 घंटे में चला जाएगा। तो पहले इसकी जो है आपकी स्पीड थी 40 और जो बाद में 5 किलोमीटर बढ़ाई वो 45 हो जाएगी आपकी। ये इनमें से कौन सी एक मेटलॉइड है, टेलेरियम है आपकी, इनमें से एक मेटलॉइड है आपकी। जो आपकी ब्लैंक है जो किसके साथ क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित करता है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका CaOH2 होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके जो ब्लीचिंग पाउडर आपका वो प्रोवाइड कराता है। तांबे के तारों की एक आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई जाती है, प्रत्येक विद्युत की दिशा प्रत्येक में जो परिवर्तित होगी, प्रेरित भी विद्युत होगा जो, तो किस में आपकी परिवर्तित होगी तो बताइए आप, कितने रिवोल्यूशन में आपकी परिवर्तित होगी, तो ये हो जाएगी आपकी हाफ रिवोल्यूशन में, हाफ रिवोल्यूशन जो आधा गुणन होगा उसमें परिवर्तित। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं, कहाँ से बिलोंग करते थे सुरेंद्र शर्मा, ये आपके करते थे महेंद्रगढ़ से। ब्लैंक के जो रक्त में शर्करा की मात्रा कम करने के लिए कौन सा जो हार्मोन आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम, जो भी आपका इंसुलिन है, जो आपका इंसुलिन आपका जो है शर्करा की मात्रा को जो आपका इसमें उत्तरदायी होता है कम करने के लिए। सरपूजा का त्यौहार है जो हरियाणा में क्या कहलाता है, सरपूजा किस दिन आपकी जो सरपूजा की जाती है, तो गुगा नवमी होती है, गुगा नवमी के दौरान सरपूजा आपकी की जाती है। महाभारत में हरियाणा का क्या नाम था, बहुधानक है। छुईमुख की पत्तियां के लिए किस प्रकार के समय दिए, जैसे हमने आपको बताया था फोटोट्रोपिज्म, उसी का उदाहरण छुईमुख प्रकाश। आंखों के लेंस की जो लंबाई को समायोजित छुईमुई आपकी स्पर्श की है, टच की है, छुईमुई स्पर्श की है, टच की है आपकी, टच करते हैं तो आपकी जो ये बैंड कर जाती है, ठीक है, स्पर्श। आंखों की लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित जो आपकी अकोमोडेशन कहलाती है, क्षमता फोकल लंबाई को समायोजित, जैसे तेज प्रकाश पड़ता है तो हमारी जो आपकी फोकल लेंथ है कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जब छाया में जाते हैं इस टाइप का कुछ परिवर्तन, उसको अनुकूलन आपका कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो जो क्लोरोफिल होता है आपका जो एब्जॉर्ब होती है, प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है, लाइट एब्जॉर्ब करती है, उसको आपका क्लोरोफिल के द्वारा ही होता है। दो सर्वांग सम त्रिभुजें दी हैं, उनका अनुपात दिया गया है 4:9, तो क्षेत्रफल उनका जो स्क्वेयर के बराबर होगा, स्क्वेयर अगर इनका क्षेत्रफल ये दिया आपका रेशो में, तो उनका क्षेत्रफल उनके स्क्वेयर के रेशो के बराबर होगा, तो स्क्वेयर इनका 4 का रेशो स्क्वेयर है जो 16 है, 9 का स्क्वेयर 81 आपका। प्रतिमल एंटासिड है कि इनमें से कौन सा एंटासिड, इनमें से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो आपका एंटासिड है। मारकंडा नदी प्राचीन नदी की कौन से नाम से जानी जाती है, जिनका प्राचीन नाम था आपका अरुणा, मारकंडा नदी का अरुणा नाम था आपका। ESZ का फुल फॉर्म क्या है, तो इको सेंसिटिव जोन की फुल फॉर्म। दो अनुपूरक सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका जोड़ आपका 180 डिग्री होता है, और उनका जो है एक है बड़े से जो है बड़ा है छोटे से 18 डिग्री का, तो 81 और 99 आपका ये आ जाएगा। कालका विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आती है, तो कालका विधानसभा आपकी आती है पंचकुला के अंतर्गत, पंचकुला ऑप्शन नंबर आपका बी, पंचकुला के अंतर्गत। सोना कार्यालय किस वर्ष शुरू हुई थी, तो 1964 के दौरान ये आपकी शुरू की गई थी सोना कार्यालय। हरियाणा का गवर्नर कहाँ पे रहते हैं, हरियाणा का जो गवर्नर होता है वो हरियाणा राजभवन में आपके रहते हैं। लवणीय मृदा किस भागों में पाई जाती है, लवणीय मृदा गुड़गांव सोनीपत रोहतक सभी में आपकी पाई जाती है। चंद्रबरदाई की ने किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई रोड द बुक टाइटल किसकी शीर्षक वाली पुस्तक, पृथ्वीराज राशो की आपकी चंद्रबरदाई थी। इकोनॉमिक्स को लिखा इन्होंने ये अब मतलब यहाँ से ई को पीछे लिख दिया, सी को पीछे ऐसे उल्टा करके लिखा, तो फिजिक्स को आप कैसे लिखेंगे, तो फिजिक्स को आप ऑप्शन नंबर सी की तरह आपका लिखा जाएगा। कार्तिक त्यौहार किस में मनाया जाता है, कार्तिक त्यौहार किस में आपका जो है मनाया जाता है, तो आपका ये नहर सिंह जो महल है वहाँ पे आपका मनाया जाता है। राज्य प्रभाग में जो प्रशासनिक अधिकारी है क्या कहलाते हैं, तो आपके कमिश्नर आपके कहलाते हैं। एक विद्युत बल्ब के जो बल्ब है उसके तंतु जो आपका है फिलामेंट है उसका, उसमें से 0.2 एम्पियर की जो विद्युत 10 मिनट के लिए खींची जाती है आपकी, तो विद्युत आवेश की जो मात्रा परिपथ में बहती है, तो कितनी इसमें बहेगी, तो इसमें आप कैसे इस फॉर्मूला इसको कैसे करेंगे आपका बताइए। देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं आपके, 10 इंटू में 60,
तो आपका कितनी आपकी 600 सेकंड होगी, 600 सेकंड। और जो इसका फार्मूला होता है जो आपका विद्युत आवेश का, वो होता है आपका जो आपका इसमें से करंट फ्लो किया है और कितने टाइम तक आपका फ्लो किया है, सेकंड में आपका है। ये आपका विद्युत एम्पीयर 0.2 है और ये आपका जो है सेकंड 600 सेकंड आ गए। तो ये जो आपका है विद्युत आवेश कितना आ गया, 600 × 2 120 कूलम आपका जो आ गया। एक विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में एक क्षैतिज धारा के माध्यम से बहती तार के नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो कैसी दिशा होगी, ये होगी नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपकी जो इसकी धारा होगी। इंग्लिश से हिंदी के क्वेश्चन आ गए। 1950 इज द ब्लैंक ईयर इन विच इंडिया बिकम द रिपब्लिक। तो द पर्टिकुलर उसकी बात की, द ईयर एक पर्टिकुलर ईयर 1950 में जब रिपब्लिक हुआ था अपना इंडिया, द इसमें आएगा। बैंकॉक इज ब्लैंक कैपिटल ऑफ द थाईलैंड, तो बैंकॉक इज द कैपिटल। नेक्स्ट आपका वी आर प्लानिंग टू गो आउट, तो इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा मतलब तीसरी फॉर्म किस में आएगी, तो इसमें आप देख रहे हैं वी के साथ हैव आपका आएगा, वी हैव प्लान टू गो आउट। व्हेन पीपल गेट प्रॉपर हेल्थ केयर, तो उनकी एक्सपेक्टेशन है जो आपकी वो भी बाउंड इंक्रीज हो जाती है, जो एक्सपेक्टेशन होती है आपकी, ऑप्शन नंबर ए। रिसेंटली आई रीड एन आर्टिकल अबाउट द इम्प्रूवमेंट, नॉट इम्प्रूव, नॉट इम्प्रूविंग, इम्प्रूवमेंट टेकिंग प्लेस इन द हेल्थ सर्विस, जो इम्प्रूवमेंट टेक प्लेस आपकी ली गई है। द न्यूज़ अबाउट हिज रिकवरी ब्रॉट इमेंस रिलीफ टू, किसको रिलीफ किया, हिज रिलेटिव, टू आएगा, टू रिलीफ टू हिज रिलेटिव। ब्लैंक हेल्थ, हेल्थ के साथ साथ बिसाइड हेल्थ वी शुड ऑल्सो एड्रेस द नीड्स ऑफ पीपल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ के साथ साथ उनकी जो आपकी एजुकेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी ध्यान देना है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका होगा। संधि विच्छेद करना है जो विद्यार्थी का, विद्या प्लस में अर्थ है आपका, ठीक है। मुहारे का अर्थ है उसके सामने जो दिया गया उसको सही से आपको लिखना है। रंग में बंद करना तो आपका जो खुशी में भी घंटा डालना। दांत पीसना तो आपका जो दांत पीसना का अर्थ क्या होगा, क्रोध करना। पेट में चौंधना बहुत भूख लगना, खिल्ली उड़ाना हंसी उड़ाना आपका हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर एक। शुद्ध वाक्य पहचानना है, शुद्ध इनमें से दोस्त आया था आपका, मोहन से पढ़ा, मोहन ने पढ़ा था, वाक्य किस काल में, पढ़ा था, था मतलब भूतकाल में आपका है। माला शब्द का बहुवचन है तो माला शब्द का मालाएं, मालाएं ऑप्शन नंबर चार। लास्ट क्वेश्चन है, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप है, तो इसका है राम से श्याम को कथा सुनाई गई, ठीक है। ये आपका बैक टू पैसिव है इंग्लिश के, जो क्रमवाच्य कृतवाच्य आपके होते हैं। ये था आपका मॉक टेस्ट, उम्मीद करते हैं मॉक टेस्ट आपको पसंद आया होगा। आपने से इनमें से जिसने भी मॉक टेस्ट दिया अपना स्कोर है आउट ऑफ 90 हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।